हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको परफेक्ट नेल पॉलिश कैसे लगाते हैं वो सिखा दूंगी। के लिए मैं यहाँ पे एक बाउल पानी लिया है अच्छी तरह से हाथ को वॉश करने के लिए, और नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए लैक्मे नेल पॉलिश रिमूवर यूज किया है मैंने, और ये पिंक कलर का नेल पॉलिश जो ये W7 का यूज किया है मैंने, और वैसलीन। और वैसलीन का जो एडवांटेजेस है मैं आगे आपको बताऊंगी जरूर। यहाँ पे मैंने टेप लिया है और एक सीजर। चलिए शुरू करते हैं कैसे नेल पॉलिश लगाते हैं परफेक्टली। पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेल पॉलिश जो बचा है उसके लिए मैं यहाँ पे एक बाउल पानी लिया है अच्छी तरह से हाथ को वॉश करने के लिए, और नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए लैक्मे नेल पॉलिश रिमूवर यूज किया है मैंने, और ये पिंक कलर का नेल पॉलिश जो ये W7 का यूज किया है मैंने, और वैसलीन। और वैसलीन का जो एडवांटेजेस है मैं आगे आपको बताऊंगी जरूर। यहाँ पे मैंने टेप लिया है और एक सीजर। चलिए शुरू करते हैं कैसे नेल पॉलिश लगाते हैं परफेक्टली। पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेल पॉलिश जो बचा है उसको क्लीन कर देंगे। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने नेल पॉलिश को निकाल दिया है नेल पॉलिश रिमूवर से। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये जो नेल शेपनर है इससे थोड़ा मेरे नेल्स को शेप में कर देती हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब हम कहाँ पे भी अर्जेंट जाना होता है तब हमें उतना टाइम नहीं मिलता कि अच्छे तरह से बैठ के नेल पॉलिश लगाए, तब हम इस इजी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ अभी, जो अब इस टेप में है, जो ईजी ट्रिक मैं बताने जाने वाली हूँ। आपको जिस तरह पसंद है उस तरह आप अपने नेल्स को शेप कर सकते हैं। जो मैं ऐसे नॉर्मल से इसे थोड़ा राउंड राउंड शेप किया है अभी। अब मैं क्या करूंगी, इस पानी में अच्छे तरह से धो लूंगी। देख सकते हैं ये नीट लग रहा है ना अभी। अब देख सकते हैं अभी ये जो नीट लग रहा है। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, साइड को थोड़ा वैसलीन लगा देंगे। वैसलीन से बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है। अब ये नेल को ग्रोथ करने के लिए भी मदद कर देता है, और आप देख सकते हैं कितने शाइनी शाइनी लग रहा है मेरे नेल्स। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर नेल पॉलिश लगा दूंगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देख सकते हैं मेरे नेल्स अब कितने ड्राई दिख रहे हैं अभी। ये वैसलीन के सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टुवर्ड्स स्किन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब मैं टिक्सो टेप लिया है यहाँ पे, इसे लेके ऐसे कट कर देते हैं। ऐसे छोटा छोटा 5 कट कर देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक बुक लिया है, इसके ऊपर ये सारे जो है मैंने पहले से ही कट करके रखा था। इसे 2-3 बार कीजिए आप, इसका जो स्टिकर है वो अच्छे तरह से निकल जाता है। इसे 2-3 बार लगाने निकालने से अब है जो है इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, एक हिस्सा यहाँ से लेके ऐसे इसे लगा दूंगी, ठीक है। और अब देख रहे हैं सकते
सकते हैं गाइस मैं ऐसे कैसे लगा लिया। इससे जो नेल पॉलिश जो हम लगाते हैं जो ऐसे साइड में नहीं आता अच्छी तरह से निकल जाता है। अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी जो नेल पॉलिश लगाने में डिफ़िकल्ट फील करते हैं, थोड़ा ऐसा वैसा हो जाता है, तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिए। आपका नेल पॉलिश ना बहुत ही परफेक्टली लग जाएगा। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। इसी तरह आप सारे नेल्स को लगा दीजिए। इससे जो टिक्सो टेप से जो है ये सारे आजू बाजू में जो स्किन रहता है इसको नहीं लगता, जो भी लगता है नेल पॉलिश टेप को ही लगता है। बाद में हम लोग उसको निकाल देते हैं तो परफेक्टली लग जाता है। देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश लगा लिया है। अब मैं थोड़ा इसको ड्राई करने के लिए 1-2 मिनट छोड़ देती हूँ ऐसे ही। लेट इट ड्राई फॉर 2 मिनट्स। अब मैं इस टेप को निकाल देती हूँ अच्छी तरह से। अब देख सकते हैं वाव, ये देख रहे हैं ना आप कितने परफेक्टली लग गया है। अभी इसी तरह सारे फिंगर्स के टेप को ऐसे, ओ माय गॉड, वो ये तो थोड़ा चिपक गया है। फिलहाल मैं इसको छोड़ती हूँ, दूसरा निकालती हूँ। देख रहे हैं ना आप कितने अच्छे तरह से निकल रहा है। आप देख सकते हैं ना गाइस ये जो कितना नीटली लगा है नेल पॉलिश। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, अब जो नेल पॉलिश पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा उसमें हम थोड़ा सा ये वैसलीन लगा के 2-3 मिनट बाद इसको निकाल देंगे। थोड़ा और नहीं तो वॉश कीजिए, नहीं तो कॉटन से ऐसे रब कीजिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से लग गया है अभी। अब हम जो है फाइनल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा ड्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वैसलीन जो है इसको लगाएंगे इसके ऊपर। इससे जो है नेल पॉलिश का लुक में बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही शाइनिंग शाइनिंग लगते हैं आपके नेल्स। अब थोड़ा इसको लगा के 1-2 मिनट छोड़ के बाद में अपने हैंड को वॉश कीजिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा आपको मैं टेप वाला इजी ट्रिक, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आपका अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।